वालेकुम बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं राबी अशरफ। शामिल करते हैं बीटीवी हेडलाइंस। पीडीएम जमहूरी इतिहाद हो सकता है पूरे मुल्क का नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की फिर तनकीद, कहा हम पीडीएम में वापस नहीं जाना चाहते, पीडीएम हमारे बगैर इस्तीफे दे, अगर नहीं देती तो पीपल्स पार्टी के विजन को फॉलो करेगी। जियाले कायद की हुकूमत पर भी चढ़ाई, कहा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट हमले में मुलव्वस है, अदालत उज़्मा को वज़ीर आज़म, सदर और वुज़रा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट सिंध की खराब इंतजामी सूरत हाल का नोटिस ले और आर्टिकल के 140 पर सख्ती से अमल दरामद कराए, वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मुतालबा, कहा पीपल्स पार्टी ने कराची समेत सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। सिंध हुकूमत को 1600 अरब रुपए मिले लेकिन पैसा कहां खर्च हुआ नजर नहीं आया, कराची की आवाम सिंध हुकूमत से तंग है। नासिर शाह ने फवाद चौधरी को नादान दोस्त करार दे दिया, कहा फवाद चौधरी जब मुशर्रफ के साथ थे तो पीपल्स पार्टी को बुरा कहते थे, पीपल्स पार्टी में आए तो इमरान खान को बुरा कहते हैं, अब इमरान खान के साथ हैं तो पीपल्स पार्टी को बुरा कहने लगे, हम इनकी बातों को संजीदा नहीं लेते। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं सिंध हुकूमत मुंतखब है, सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर ही मामला चलाएंगे, ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे कोई सियासी हलचल पैदा हो, विफाक चाहता है हर सूबा आईनी दायरा कार में रह कर किरदार अदा करे। सिंध हुकूमत ने कराची को खंडरात में बदल दिया, एमक्यूएम का सिंध सरकार के खिलाफ 15 जून को रैली निकालने का ऐलान, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने विफाकी बजट को भी रिवायती करार दे दिया, कहा देखना होगा 70% रेवेन्यू देने वाले शहर के लिए बजट में क्या रखा गया। गैर मुल्की आजमीन रवा साल भी हज अदा नहीं कर सकेंगे, सऊदी वजारत हज उमरा ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया, सऊदी अरब में मुकीम 60,000 मकामी और गैर मुल्की अफराद को हज की इजाजत दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोन पर राब्ता, सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने हज के इंतजामात और अवामी मफाद में उठाए गए इकदामात से आगाह किया। कोरोना केसेस में कमी, पाकिस्तानियों ने सी कैटेगरी में शामिल ममालिक की तादाद में 38 से कम करके 26 कर दी, नई फहरिस्त जारी, तमाम ममालिक से पाकिस्तानियों को वतन वापस आने की इजाज़त भी दे दी। वजीर सेहत अजरा पेचो ने कोरोना की चौथी लहर का खदशा जाहिर कर दिया, वैक्सीनेशन का अमल तेज करने की हिदायत, पंजाब हुकूमत ने सूबे में रोजाना 4,30,000 अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर कर दिया। मोबाइल कॉल्स, इंटरनेट डेटा और SMS पर टैक्स लगाने का फैसला वापस, वजीर खजाना शौकत तरीन की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मिनी बजट आएगा ना गरीब पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा, बड़े रिटेलर्स की 1500 अरब से जायद की सेल है, तमाम बड़े स्टोर्स पर सेल्स टैक्स लगाएंगे, सार्फीन पक्की पर्ची लेंगे तो 1,00,000 रुपए इनाम मिलेगा, किसान को 5,00,000, छोटे काश्तकार को 1,50,000 और घर के लिए 20,00,000 तक बिला सूद कर्ज देने का ऐलान। नून लीग ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया, लीगी रहनुमा हसन इकबाल का हुकूमत पर आइंदा इलेक्शन में वोटिंग मशीनों से धांधली करने का भी इल्जाम, हसन इकबाल सीनियर रहनुमा है, कभी अक्ल की बात भी कर लिया करें, वजीर इत्तला फवाद चौधरी का जवाबी वार। आमदन से जायद असासाजात केस में जियाले रहनुमा खुर्शीद शाह के बेटे फरुख शाह ने गिरफ्तारी दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि फरुख शाह 3 रोज में एहतसाब अदालत में गिरफ्तारी दे, नैब ने तहवील में ले लिया, रिमांड की भी इस्तदा। कराची के इलाके सच्चल में पुलिस एहलकार की शहादत में मुलविस मुलजमान से मदीना कॉलोनी में मुकाबला, मरकजी मुलजिम मारा गया, 2 मुलजमान फरार, हलाक मुलजिम को शहीद जवान के साथी एहलकार ने भी शनाख्त कर लिया। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशत गर्दी जारी, मजीद 3 कश्मीरी शहीद, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत, तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा भारतीय अफवाज ने नाम निहाद ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरियों के मावराए अदालत कत्ल की कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। पाकिस्तान में मानसून सीजन 27 जून से शुरू होने का इम्कान, बालाई पंजाब, शिमाली बलूचिस्तान, कश्मीर में मामूल से ज्यादा बारिश मुतवक्के, इरसा ने सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर दिया, महकमा मौसमियात की कराची में भी जमकर बादल बरसने की पेशगोई। और शहनशाह गजल मेहदी हसन को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए, गजल गीत राग जो गाया अमर हो गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv, लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क, इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।